छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आप जो है सीजी व्यापम एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे वो आप ग्रामीण पटवारी हो, पटवारी का वैकेंसी हो, टीचर शिक्षक बनना चाहते हैं, हॉस्टल वार्डन हो, या फिर आर आई रिवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक, के डी ओ के, एस आई भर्ती परीक्षा, सी एफ के, सहायक ग्रेड 3 के, कंप्यूटर ऑपरेटर के, सहायक ग्रेड 2 के, फूड इंस्पेक्टर, सहकारिता विभाग, अभी आप लोगों के लिए 3000 पोस्ट जो है सहकारिता विभाग में निकल कर आ रहा है, जिसमें 1700 पोस्ट समिति प्रबंधक के होंगे और 2058 पोस्ट आपके जो है हर 5 समितियों में जो है एक सुपरवाइज़र का पोस्ट आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। तो आप लोग किस तरीके से जो है सीजी व्यापम के इन सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। क्योंकि देखिए, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी आप जो है बहुत अच्छे से करते हैं, तैयारी तो आप अच्छे से करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से पुस्तकें पढ़ना है, कौन से राइटर्स का पढ़ना है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा भ्रम हो जाता है। आप इधर उधर की बुक को परचेस कर लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उससे आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न जो है एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते। तो जिस बुक को आप पढ़ते हैं, जिस पुस्तक से आप पढ़ते हैं, उससे अगर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाते तो आपके पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं होता। तो मैं आपको ए टू जेड कम्प्लीट नॉलेज दूंगा कि किस तरीके से आप जो है सी जी व्यापम सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी आप जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी जो बुक मैं आपको बताऊंगा, जो रिकमेंड करूंगा, उनसे यदि आप परचेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो डेफिनेटली आप सी जी व्यापम में इन सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। और आप तो इन सभी को क्वालिफाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम एक एग्ज़ाम्स को तो आप निश्चित रूप से क्वालिफाई कर सकते हैं, और आपको जो है गवर्नमेंट जॉब जो है सरकारी नौकरी मिल सकता है। मैं 100% गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा, अगर जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर उन सभी बुक्स को आप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के बारे में। देखिए, सी जी व्यापम को एग्ज़ाम्स हैं, सी जी व्यापम एग्ज़ाम्स ले रहा है, तो उन सभी में जो है छत्तीसगढ़ के नॉलेज, छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी जो है पूछे जाते हैं, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में, कि छत्तीसगढ़ के इतिहास क्या है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, वन, इन सभी चीज़ों के बारे में आपका कंप्लीट जो है ए टू जेड हर एक चीज़ पूरा कंप्लीट डिटेल्स जानकारी जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम्स क्वालिफाई उनका होता है जो सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से एनालिसिस करते हैं, कंप्लीट डिटेल्स और नॉलेज लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, तो छत्तीसगढ़ की कंप्लीट तैयारी करने के लिए आपको जो है कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का आपको बुक लेना है। तो यदि आप कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक से पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है ए टू जेड कंप्लीट नॉलेज जो है देखने को मिल जाएगा। ये हो गया छत्तीसगढ़ के लिए। इसके साथ हम बात करें करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समसाई की घटना चक्र, तो करंट अफेयर्स के लिए, छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ विकास परक का मासिक पत्रिका। जी हाँ, सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको जो अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो ऐसा नहीं कि आप जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स ले लिए तो विकास परक का नहीं, आपको दोनों से तैयारी करना है ताकि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। इसके साथ ही इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स की बात करें तो इसके लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरह से आपके जो है छत्तीसगढ़ में सीजी करंट अफेयर्स एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है संपूर्ण ए टू जेड नॉलेज देखने को मिल पाएगा। अब इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ हिंदी के बारे में। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी को लाइटली लेते हैं और आप लोग सोचते हैं कि हिंदी का तो प्रश्न है, हिंदी के क्वेश्चन उतना फ़र्क नहीं पड़ता और आसानी से हम जो सॉल्व कर पा लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हिंदी के प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो हिंदी के लिए सबसे पहले आपको जो है कॉम्पिटिशन एकेडमी का बुक लेना है, दिल्ली एस एकेडमी का बुक लेना है। हिंदी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको कम्प्लीट ग्रामर्स के बारे में, व्याकरण के बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको लगता है कि हिंदी का प्रश्न है, लेकिन हिंदी हिंदी नहीं होता, चाहे वो समास हो, संधि हो, संज्ञा हो, या फिर मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो, हिंदी के इतने ज़्यादा व्याकरण रहते हैं। जब तक आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स और नॉलेज नहीं होगा सभी चीज़ों के बारे में, आपको अगर रूल्स रेगुलेशन नियम पता नहीं होगा, तब तक आप हिंदी में अच्छे से नंबर नहीं ला पाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हिंदी की तैयारी यदि आप अच्छे से करना चाहते हैं तो आप जो है दिल्ली एस एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी कर पाएंगे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के बारे में, क्योंकि इंग्लिश भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स आता है, तो ग्रामर्स में आपका जो है इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स आता है। अब आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट को तो लगता है तो ग्रामर्स के क्वेश्चन हमसे तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ग्रामर्स की कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ आप 10th 12th या फिर कॉलेज के जो नंबर आपके आ रहे हैं इंग्लिश में, उन सभी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें आपने तुक्का मार कर ला लिया। तो आपको एग्जैक्ट जो है नॉलेज होना चाहिए ग्रामर्स के बारे में।
तो ग्रामर्स में आपका आएगा नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब इंस्टीट्यूशन, सब ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर्स की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, व्याकरण की तैयारी करना चाहते हैं, तो इंग्लिश के लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे, इंग्लिश की तैयारी करेंगे, तो आपकी इंग्लिश की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में संपूर्ण ए टू जेड नॉलेज मिल जाएगा। तो इन सभी बुक से जो है इंग्लिश की प्रिपरेशन आप जो है बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से जो है कर पाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ गणित के बारे में, क्योंकि गणित भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गणित में आपका आता है अनुपात, समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लघु गणक, ये सभी चीज़ें जो है ज्यामिति, क्षेत्रमिति, शंकु, ये पूछे जाते हैं। तो मैं सबके प्रश्न देखकर आपको यदि डर लगता है, आप परेशान हो जाते हैं, आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हो ही जाते हैं कि यार गणित का क्वेश्चन है, गणित का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो यदि आप गणित के प्रश्न की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके अलावा जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर आर एस अग्रवाल के बुक से मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपको गणित के बारे में जो संपूर्ण ए टू जेड नॉलेज देखने को मिल जाएगा और गणित में आपका जो है बहुत अच्छे से नंबर आएगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग जो आपका जनरल मेंटल एबिलिटी होता है, तार्किक लॉजिक वाला, वस्तुनिष्ठ, अंगणित, तो रीजनिंग की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपका रीजनिंग में दिया रहता है। तो इन सभी से जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपका एग्ज़ाम्स में जो है बहुत अच्छे से नंबर आएगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के लिए जैसे मैंने आपको बताया कॉम्पिटिशन एकेडमी, सभी से जो है तैयारी कीजिए। और एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की तैयारी करने के लिए आप जो है एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था ले सकते हैं। तो इन सभी बुक से एग्जाम्स की तैयारी आप जो है अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही कंप्यूटर्स की बात करें, चाहे आपका पोस्टल वार्डन का हो, चाहे अमीन पटवारी का हो, तो इसमें जो है कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय ले सकते हैं। यदि आप परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय, इससे यदि आप कंप्यूटर्स की तैयारी करेंगे, तो आपके कंप्यूटर्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगी और आपको कंप्यूटर्स के बारे में कंप्लीट ए टू जेड नॉलेज देखने को मिल जाएगा और आपको संपूर्ण नॉलेज मिलेगा। तो इन सभी से जो है कंप्यूटर्स की तैयारी आप जो है कर सकते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय का बुक ले सकते हैं। तो इन सभी से आप जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो से आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट्स हो तो आप बेझिझक जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखना। सो थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का। सो थैंक यू।